कि आप एक बच्चे को अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो एक गिफ्ट दीजिए, वो है प्यार. माँ बाप के बीच में जो भी झगड़े होते हैं वो बच्चों तक कभी मत लाइए. अगर झगड़ा कर भी रहे हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ है, होता भी है, तो कमरे के अंदर करें. बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई प्रकार का मतभेद चल रहा है. अब इस पर होता यह है कि एक बार एक कपल जो एक दूसरे से पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे 10-15 साल गए कि दोनों के रिलेशन के अंदर अट्रैक्शन खत्म हो गया, एक दूसरे से प्यार कम हो गया. बीवी तो अपने पति से हमेशा प्यार करती है, लेकिन हस्बैंड का इंटरेस्ट उनकी वाइफ से उड़ जाता है. तो वो घर पर आते हैं, उन्हें कोई दूसरी औरत मिल गई है. उनकी वाइफ जेन उसके पास जाते हैं और उसके सामने डिवोर्स पेपर रखते हैं एकदम से. वो सोचती है, देखती है, झल्ला उठती है कि ये क्या है. हस्बैंड कहता है, मैं डिवोर्स चाहता हूँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम ये डिवोर्स पेपर साइन कर दो. काफ़ी साल ऐसे हो गए थे कि ये दो एक दूसरे के साथ ज़्यादा बात नहीं किए थे, एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट थे. वो देखती है डिवोर्स पेपर, झुंडला उठती है, डांटती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है. रात भर कमरे में बैठकर सोच रही है, रो रही है और कुछ लिखे जा रही है, लिखे जा रही है. लिखने के बाद सुबह हो जाती है और सुबह होकर हस्बैंड के सामने जाती है, कहती है कि तुमने तो डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए. मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या चाहिए डिवोर्स के बाद ये मैं तुम्हें बता दूँ. हस्बैंड को लगा अब ये मांगेंगी प्रॉपर्टी, आधा हिस्सा, आधा घर, देने को वो तैयार था. लेकिन वो सिर्फ कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा, कोई घर, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए मोहलत. मेरे बच्चे की अभी एग्जाम्स है आने वाले 3 महीनों के अंदर, तो मैं अभी उस पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं लाना चाहती, बिकॉज अब वो डिवोर्स की न्यूज़ सुनेगा तो उसके पेपर्स खराब हो सकते हैं, उसका साल बिगड़ सकता है. एक काम करिए, 3 महीने तक आपको मैं डिवोर्स नहीं देने वाली, यह मोहलत मुझे दीजिए. और दूसरी शर्त यह है कि ये 3 महीने में आप मेरे साथ उसी तरह रहेंगे जैसे कि तब रहे थे कि जब हमारी शादी हुई थी. हमारी जब शादी हुई थी तब आप अपनी गोद में उठाकर इस दरवाजे से मुझे अंदर लेकर आए थे. रोज सुबह मॉर्निंग में आप मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आते थे. तो आपको 3 महीने तक ये रोज करना है. और ये उन्होंने सुना और हस्बैंड कहने लगे कि भाई ये क्या शर्त है भाई, 3 महीने रुकने की बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये गोद में उठाना वगैरह उसे कुछ समझ में नहीं आया. बड़ी वियर्ड शर्त लगी, लेकिन इनको तो ये था डिवोर्स. डिवोर्स ये तो शर्त तो माननी पड़ेगी, तो उन्होंने हाँ कह दिया, क्योंकि 3 महीने बाद तो पीछा छूटेगा. तो भाई दूसरे दिन से उन्होंने शुरुआत कर दी कि भाई बीवी लेटी है, उनको गोद में उठा रहे हैं और बहुत ही भारी लग रहा है, अभी आदत नहीं है ना, उठाने की उम्र भी हो गई है. जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आँफते हुए नीचे पहुँचते और बीवी को जब नीचे ब्रेकफास्ट टेबल के पास रखते हैं तो बच्चा देखता है और हंसकर ताली बजाता है कि मेरे पापा मेरी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, मेरे पापा मेरी मम्मी से कितना प्यार करते हैं. खुश होने लगता है, अपनी वाइफ को यहाँ पर वो किस करते हैं, बिकॉज रूल था बच्चा भी आता है दोनों पेरेंट्स को किस करता है स्कूल चला जाता है. हस्बैंड को थोड़ा अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रिलेशन वो कहीं खो चुके थे. दूसरा दिन आता है, वर्जिश करके तैयार है उठाने के लिए, फिर थोड़ी मेहनत लगती है, नीचे जाते हैं, फिर बच्चा देखता है, खुश होता है, स्माइल करता हुआ स्कूल चला जाता है. दिन ब दिन चलते जा रहा है ये किस्सा, अब 15 दिन हो गए हैं. 15वें दिन वो उठाते हैं, वो देख रहे हैं कि बीवी काफ़ी हल्की लग रही है, उन्हें लगता है कि भाई मसल्स बन चुकी हैं मेरी वर्जिश करते करते. और फिर धीरे से अपनी वाइफ के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी गालों की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि ये जब मैं इसे घर पर लाया कितनी खूबसूरत थी, आज इसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं. इस औरत ने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल 15 साल मेरे लिए निकाले, मेरे लिए घर पर काम किया, बच्चों को पाला, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, और आज मैं क्या करने जा रहा हूँ. एक दूसरी औरत जो यंग है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पैसों को देखकर मुझ पर आकर्षित हुई है, इस औरत के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ. उसके मन में थोड़े विचार तो आते हैं, लेकिन वो अपने आप को काबू रखकर वाइफ को नीचे उतारते हैं, किस करते हैं, बच्चा देखता है, खुश होकर चला जाता है. 30वां दिन है, 30th day, इजीली उठा रहे हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, और बीवी से प्यार की फीलिंग आने लगी, वो अट्रैक्शन फिर से क्रिएट हो गया है. और वो बीवी को देखकर एक ही डिसीजन लेते हैं कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर निछावर की अब तक, तो अब आने वाली सारी ज़िंदगी है. तो भी ये खुशी खुशी घर आते हैं क्योंकि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है. घर पर आते हैं, वाइफ के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वाइफ इस वक्त दोपहर के वक्त बेड पर क्यों लेटी है. वो जाते हैं वाइफ के पास फ्लावर्स लेकर उसे खुशखबरी सुनाने के लिए, लेकिन जब वाइफ के पास जाते हैं उसके शरीर का रंग बदल चुका है,
उसकी नब्ज चेक करते हैं तो पता चलता है वाइफ मर चुकी है। वाइफ के पास ही एक फाइल पड़ी हुई है। वो फाइल थी कि जिसमें लिखा था कि रिपोर्ट्स है ये उसके वाइफ की, उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था। घर परिवार की परवरिश करते हुए उसे कब कैंसर हुआ, अपने पति को वो उस दिन यही बताना चाहती थी कि मुझे कैंसर हो गया है, लेकिन पति ने डिवोर्स की न्यूज़ रखी। वो चाहती तो उस दिन डिवोर्स दे सकती थी क्योंकि आखिरी के 30 दिन थे उसके पास, लेकिन उसने देखा कि अगर मैं डिवोर्स के बाद 30 दिन में मर जाती हूँ तो मेरा बच्चा हमेशा ये सोचता रहेगा कि मेरे बाप के कारण मेरी माँ मरी। लेकिन ये वाइफ कितनी अच्छी थी, ये माँ कितनी अच्छी थी कि वो अपने बच्चे के जहन में एक ही सोच डालकर जाना चाहती थी कि मेरे पिता ने मेरी माँ को कितना प्यार किया, आखिरी वक्त पर भी उन्हें गोद में उठाकर उन्हें किस करते थे और बाहर छोड़ते थे। उसके बच्चे के जहन में एक ही इमेज बनी कि मेरे माँ बाप तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ये है पत्नी, ये है माँ। ये माँ, ये बीवी अपना घर छोड़कर आती है, सब कुछ छोड़कर आती है और आपकी सिर्फ सेवा में लगी होती है, खुद भूखे पेट रहती है लेकिन आपको ज़्यादा खिलाती है, बच्चियों की भी गालियाँ खाती है और पति भी अगर बाहर से फ्रस्ट्रेटेड है तो सारा फ्रस्ट्रेशन ये झेलती है और बदले में क्या चाहती है, कपड़े भी लेने होंगे ना तो पहले आपके लेती है, खाना भी खिलाना होता है तो आपको खिलाती है। इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, 365 दिन ये काम करते रहते हैं, इनको कोई हॉलीडेज नहीं होते, तो हमें इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए और इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि आप इनसे प्यार करें, इन्हें कहें, एहसास दिलाएं कि आप इनसे प्यार करते हैं। तो अपनी वाइफ को या अपनी माँ को आज आई लव यू कहना मत भूलिएगा, उनके लिए यही काफ़ी है कि आप उनसे प्यार करते हैं, इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं मांगती, तो बस उनसे प्यार करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों